सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम ले रहे हैं भाई स्कॉर्पियो एन की टेस्ट ड्राइव। इस वेरिएंट की बात करें तो ये है भाई डीजल मैनुअल वेरिएंट। इसमें जो अलॉय व्हील्स आते हैं वो आते हैं 17 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं। और जैसा कि आप इंटीरियर वगैरह देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। और अब बात करते हैं ना, जो मेन वो है भाई पुरानी स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो में क्या अंतर मेरे को महसूस हुआ, क्योंकि जैसा कि आपने देख रखा है मैं भी एक स्कॉर्पियो ऑन करता हूँ। तो सबसे पहली जो मेरे को अंतर महसूस हुआ ना, वो है भाई इसका पिकअप। इसका और जो पुरानी स्कॉर्पियो का पिकअप है ना, उसमें क्या अंतर है कि ये गाड़ी बहुत स्मूथली उठती है। जैसे कि आप ये करंट वाली स्कॉर्पियो को जैसे मैं पहले गियर पे झटके से उठाता हूँ ना, तो वो आगे से थोड़ी सी उठ जाती थी। इसमें वो चीज़ नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो पेंटालिंग सस्पेंशन आता है उसके चलते, पर पिकअप सेम है गाड़ी का, और बल्कि अच्छा और बहुत स्मूथ है। और जैसा कि आप देख सकते हो, गाड़ी अभी किस तरीके से चौथे गियर पे चल रही है, और जो इसका पिकअप है आप देखो, बहुत अच्छा पिकअप है और कैबिन नॉइज बहुत कम है इसमें। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है भाई इसका स्टीयरिंग इतना ज़्यादा लाइट है कि मैं एक उंगली से इसका स्टीयरिंग घुमा सकता हूँ। आप देख सकते हो कि जो मेरी भी सिटिंग पोजीशन है वो मैंने सबसे हाइट पे सीट एडजस्ट करके रखी है। बस ये जो आर्म रेस्ट है ना, ये मेरे को थोड़ा सा ऑड पोजीशन में लगा, पर ये खैर कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकता है। साइड डोर्स आप भी देख सकते हो पियानो ब्लैक में है। और जो विंडो की बात करें, जैसे अभी वाली स्कॉर्पियो ना काफ़ी बड़ी विंडो है, तो इसमें उतनी बड़ी विंडो नहीं है, पर हाँ अच्छी विंडो है, बहुत अच्छा व्यू आता है बाहर का और कमांडिंग पोजीशन मिलती है। अब बात करें जैसे फ्रंट बोनट से बाहर कैसा दिखता है, वो सेम इसी स्कॉर्पियो जैसा है। पर एक बात बोलूँ तो जो करंट स्कॉर्पियो है जो अभी आ रही है क्लासिक वाली जिसे आप बोल लो, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कमांडिंग महसूस होता है मेरे को। ये जो सनरूफ है आप देखो, सनरूफ बहुत बढ़िया है, नो डाउट सनरूफ के लिए तो भाई खैर कोई कंप्लेन नहीं है। पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना कि जो करंट वाली स्कॉर्पियो क्लासिक है, उसमें मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा कमांडिंग महसूस हुआ एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसका जो बोनट है ना वो पूरा दिखाई नहीं देता है, पर और थोड़ा सा डाउन साइड है तो इसीलिए ना ऐसा महसूस होता है। पर जबकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है क्लासिक से और चौड़ाई भी ज़्यादा है, पर महसूस होने की बात है वो मेरे को नहीं हुआ। एक जो मेरे को चीज़ जिसमें थोड़ी सी ऑड लगी ना, वो है भाई इसका मेरे को थोड़ा सा कैमरा। इसका कैमरा आप जैसे देख सकते हो काफ़ी लैगी है यार, मतलब कि ऐसा समझ लो आप कि अगर आप गाड़ी बैक कर रहे हो स्पीड मतलब कि, और एकदम से कोई आ गया, तो इस कैमरे में ना वो ऑब्जेक्ट थोड़ी लेट आता है एज़ कम्पेयर टू जो तुरंत आ जाना चाहिए, तो इसमें भी एक थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। खैर आपको कुछ नहीं कह सकते, अभी जब तक गाड़ी टोटली कस्टमर्स को डिलीवर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कह सकते। ये तो खैर डेमो वेरियंट्स थे, आप ये देख सकते हो साइड जो पूरी ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा बोनट है, काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड का लुक है, सो बहुत बढ़िया फील आता है गाड़ी के अंदर। सो एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों को बताने के लिए कि स्कॉर्पियो एन को कैसी लगी है मेरे को चला के, स्कॉर्पियो एन एज़ कम्पेयर टू करंट वाली स्कॉर्पियो जो मैं चला रहा हूँ।